जय श्री राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है मैदान मूवी के ऊपर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम मैदान मूवी की कहानी के बारे में और उस पर छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैदान मूवी की कहानी के बारे में। तो इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड 1992 से लेकर 1962 तक था। यह सिर्फ एक आदमी सैयद अब्दुल रहीम यानी अजय देवगन की वजह से संभव हो पाया था। फिल्म की कहानी इन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि सैयद अब्दुल रहीम पूरे देश से प्लेयर को इकट्ठा करते हैं और उन्हें देश की तरफ से खेलने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इसी बीच उन्हें इंडियन फुटबॉलर फेडरेशन के अंदर बैठे कुछ क्षेत्रवादी लोगों से निपटना पड़ता है। वहाँ बैठे लोग चाहते हैं कि बंगाल के प्लेयर्स को ही टीम में ज़्यादा मौके मिले, लेकिन सैयद अब्दुल रहीम की सोच कुछ और ही थी। वे रियल टैलेंट को मौके देना चाहते हैं। 1952 और 1956 के ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहता है, हालांकि टीम अंतिम मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। इस कारण रहीम को कोच पद से हटा दिया जाता है। इसी बीच उन्हें कैंसर भी होता है, हालांकि उनके हौसले नहीं टूटते। वे दोबारा इंडिया के कोच बनते हैं और टीम को एशियाई खेलों में गौरव दिलाते हैं। जाहिर सी बात है कि फिल्म में आपको सिर्फ अजय देवगन ही नज़र आएंगे। सैयद अब्दुल रहीम के रोल में अजय देवगन ने बेहतरीन काम किया है। अजय देवगन आँखों से एक्टिंग करने के लिए जाने जाते हैं। इसी फिल्म में भी उन्होंने ज़्यादातर आँखों से ही एक्टिंग की है। उनकी वाइफ के रोल में प्रिया मणि ने भी अच्छा काम किया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रोल में गजराज राव ने भी बढ़िया काम किया है। इंडियन प्लेयर्स के रोल में सारे कलाकारों ने प्रभावित किया है। बधाई हो जैसी सक्सेसफुल फिल्म बनाने वाले अमित शर्मा ने फिल्म का डायरेक्शन किया है। फर्स्ट हाफ में उन्होंने कहानी को बिल्कुल बोरिंग और स्लो रखा है। फर्स्ट हाफ इतना बोरिंग है कि आप फ़ोन चलाने और इधर उधर देखने को मजबूर हो जाओगे। सेकेंड हाफ खासकर क्लाइमैक्स वाला सीक्वेंस शानदार है। फुटबॉल मैच वाले सीक्वेंस में कैमरा वर्क शानदार है, ऐसा लगेगा कि आप लाइव मैच देख रहे हो। फिल्म का म्यूजिक पार्ट सबसे निराशाजनक है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि फिल्म का म्यूजिक A.R. रहमान जैसे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया है। उनके कद के हिसाब से इस फिल्म का म्यूजिक बिल्कुल अच्छा नहीं है। अमूमन स्पोर्ट्स ड्रामा वाली फिल्मों का म्यूजिक एनर्जी देने वाला होता है, इस फिल्म में ऐसा नहीं है। फिल्म कब खत्म हो जाने के बाद गाने और बैकग्राउंड स्कोर याद भी नहीं रहते हैं।